Hello students, let's see this question. The question says it takes 15 minutes for the concentration of radioactive species to decay to its 1/8 value of its original concentration. What is the rate constant of this radioactive decay reaction? So यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहला तो टाइम दिया गया है कि 15 मिनट लगते हैं किसी भी एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, कोई एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी होके, ठीक है, तो वो अपने इनिशियल से कितना डिके हो गया, 1/8 डिके हो गया, ठीक है। सो आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। सो जितने भी रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं ये क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि के मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन ए नॉट अपॉन ए होता है, ये फॉर्मूला भी नो के फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, टी इज द टाइम, ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए इज द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। सो अब देखो हमें रेट कांस्टेंट जानना है, के जानना है, ठीक है। सो के जानना है और टी की वैल्यू हमें दी है 15 मिनट्स, क्लियर। अच्छा लॉन ए नॉट हमें कुछ भी नहीं पता कि लेट से कि ए नॉट की जो वैल्यू वो एक्स है, सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, उन्होंने कहा 1/8 हो जाएगा, जो भी इनिशियल वैल्यू होगी उसका 1/8 हो जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, ए नॉट थी, उसका 1/8 होने का मतलब क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 8, इसका मतलब x बाई 8 हो गया। तो वैल्यू डाल दो, ए नॉट की जगह पे x और a की जगह पे x बाई 8, तो x से x कैंसिल, k मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू लॉन 8 हो गया। लॉन 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉन 2 का क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 लॉन 2, क्लियर। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 लॉन 2 डिवाइडेड बाई 15, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि k की वैल्यू आएगी लॉन 2 डिवाइडेड बाई 5। अब क्योंकि आपने टाइम किस में लिया है, मिनट्स में लिया है ना, तो ये आंसर किस में आएगा, मिनट्स में आएगा, पर मिनट में आएगा। बट ऑप्शन देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या पर सेकेंड में दे रखे हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट को पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखो जो 1 मिनट होता है, ये जो 1 मिनट, ये आपका जो आंसर आया ये मिनट इनवर्स में आया, ठीक है। 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड की इक्वल होता है, तो 1 अपॉन 1 मिनट कर दो, दोनों का रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन सेकेंड, इस तरीके से इसको ऐसे करना है, देखो इसको ऐसे करना है, सेकेंड को धर लिया, मिनट को धर ले जाओ, तो 1 अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू 60 अपॉन मिनट, ऐसे कर सकते हैं। 1 अपॉन सेकेंड को लिख सकती हूँ सेकेंड इनवर्स, और इसको लिख सकती हूँ 60 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो 1 मिनट इनवर्स की वैल्यू जाननी है, तो 1 मिनट इनवर्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन 60 सेकेंड इनवर्स, ये क्या होगा, 1 मिनट इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, के इज इक्वल टू लॉन 2/5 मल्टीप्लाई 1/60 सेकेंड इनवर्स, बस ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो लॉन 2 डिवाइडेड बाय 60 × 5 करना है, ठीक है, 60 × 5, तो ये आपका आंसर आता है 0. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, 0.00231 सेकेंड इनवर्स, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।